अलीना, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सर में दर्द हो रहा है, दवाई ली ठीक हो जाएगा। तुम आराम जो नहीं करती, आराम करो यार। नूरी बता रही थी कि सारा दिन तुम किचन में लगी रही। सारे काम नौकरों पे तो नहीं छोड़ सकते, खुद भी कुछ करना पड़ता है। अलीना, जब तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जरूरत है खुद को खामखा खपाने की? एक वो हिना थी जो किचन का रुख भी नहीं करती थी, और तुम हो के किचन में ही रहती हो। मैं हिना नहीं हूं शिजा। जानता हूं, और तुम हिना हो भी नहीं सकती। खाना खाया तुमने? कब वेट कर रही थी। मैं नूरी से कहता हूं कि वो खाना यहीं पर लगा दे, तुम खाओ और आराम करो। मैं आता हूं नूरी को कहकर। हैदर भाई को कहा था कि आपको बोल दें कि एसएम को नहीं बताना कि खाना बाहर से आया, तो फिर किसने जाके बताया एसएम को? मैंने तो बीवी जी ने कुछ बताया भी नहीं है, और साहब से तो मेरी बात भी नहीं हुई। अच्छा, अगर आपकी बात नहीं हुई तो फिर किसकी हुई है? हैदर तो कल से छुट्टी पे है, घर में सिर्फ रह गए मैं या आप। मैंने तो बताया नहीं, तो बच गए पीछे आप। आपने क्यों बताया एसएम को? बीवी जी, मैं नहीं जानता, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मेरे साहब से इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई। क्या बात है, फिर तो मुझे लगता है कोई जिनभूत आके बता के चला गया उन्हें, है ना? मेरी बात सुनने कान खोल के। जो नौकर मालकों के कामों में दखल अंदाजी करते हैं ना, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। बीवी जी, मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी, और आंदा जिंदगी में कभी ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा जाओ यहां से, जाओ। ज़्यादा ऑफिस से ऑफ लेने की क्या जरूरत थी? बस एक मामूली सा सर में दर्द था, ठीक हो गया। अलीना, अगर मैं ऑफिस चला जाता ना तो तुम किचन में खड़ी पाई जाती। तुम्हें रेस्ट करवाने के लिए ऑफ लिया। अब ठीक हूं मैं। आप ही की कॉल, तुम ये सूप खत्म करो, बस अभी आया। मुझे नूरी ने बताया था कि अलीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या हुआ है उसे? खैरियत तो है? नहीं नहीं आप ही, बस ऐसी थकन से। आपको पता तो है कि वो कुछ ना कुछ बनाने में लगी रहती है, तो इसी वजह से। शहजाद, कोई अब गुड न्यूज तो नहीं है ना? अब मेरा मतलब है कि। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसी काम करती रहती है, थकावट से उसकी तबीयत खराब हो गई है। ओ, अच्छा अच्छा। नूरी मुझे जिस तरह बता रही थी तो मुझे लगा कि खैर एनीवेज, शायद मुझे गलतफहमी हो गई। पता नहीं तुम मुझे ये गुड न्यूज़ कब दोगे, कब मुझे कोई फुप्पो बोलने वाला होगा। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये भी हो जाएगा, अभी वो खुद तो थोड़ी स्टेबल हो जाए। Thank you.
तुम यहाँ पे क्या? Are you okay? Yeah, I'm fine. No, you don't look fine. तुम अकेले हो यहाँ पर? कोई साथ नहीं है तुम्हारे? ड्राइवर छोड़ के गया था. नहीं नहीं, कहाँ ठीक हो तुम? तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है लीना. मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ. नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी. ड्राइवर ले जाएगा मुझे. लीना, तुम ड्राइवर का यहाँ पर कहाँ के लिए वेट करोगी? प्लीज जिद मत करो. आई ड्रॉप यू. प्लीज प्लीज कम, लेट्स गो. संभाल के प्लीज. ध्यान से, ध्यान से प्लीज. करीना, तुम्हारी तबीयत काफी खराब है. मेरे ख्याल से हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए. नहीं, मुझे बस घर जाना है. आप प्लीज मुझे बस घर ले जाइए. अलीना, लेकिन तुम्हारी हालत इस टाइम घर जाने वाली नहीं, हॉस्पिटल जाने वाली है. देखो, मैं जानता हूँ कि हमारे दरमियान जितने भी क्लैशेस रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि तुम प्लीज लेट्स गो टू अ हॉस्पिटल. प्लीज शहजाद, उन्हें तो पता भी नहीं है. शहजाद को हम कॉल करके वहीं बुला लेंगे. शहजाद को कॉल कर लेनी चाहिए. हसन, मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो. हाँ शहजाद, अलीना की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है. तुम इधर हॉस्पिटल आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन पिन कर रहा हूँ. अलीना हॉस्पिटल में? पर क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है. बस ऐसी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी. परेशानी की कोई बात नहीं है. वो तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी. तुम उसके पास कैसे हो? बाकी बातें तुम यहाँ पर आकर पूछ लेना. फिलहाल तुम बस जल्दी यहाँ पर आ जाओ. ओके बाय. कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर कह रही थी कि वीकनेस की वजह से शायद तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी. अब पहले से बेहतर? आपने शहजाद को कॉल कर दी? हाँ, मैंने कॉल कर दी थी उसे. वो बस आते ही होगा. अलीना, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो का बहुत बहुत शुक्रिया लाने के लिए. और उस दिन जो कॉल करके मैंने आपको बातें सुनाई, बहुत शर्मिंदा हूं मैं. हो सके तो माफ कर दीजिएगा. पता नहीं मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी. ओके, जस्ट लीव इट. अलीना, अलीना तुम ठीक हो? हाँ शहजाद, मैं ठीक हूँ.
परेशान होने वाली कोई बात नहीं। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें इस तरीके से अकेले नहीं भेजना चाहिए था। ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। शहजाद मैं ठीक हूं ना, मैंने कहा कोई बात नहीं। थैंक गॉड। अच्छा, मुझे एहसन की कॉल आई थी। ओके, कैसे? वही लेकर आया मुझे यहाँ पर। कहाँ है वो? यही तो था, आपको नजर नहीं आया? देखिए कहीं कहीं बाहर ही होगा। हाँ मैं देखता हूँ। एहसन, थैंक्स यार, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं ना होता तो कोई और होता, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी यार, तुमने आउट ऑफ द वे मुझे और अलीना को फेवर किया। आउट ऑफ द वे? हाँ शायद। एनीवेज, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हें और अलीना को साथ खुश देखकर। हालांकि मुझे इतना खुश होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। एनीवेज, बाय। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर। एक्सक्यूज मी जी, यहाँ पर शहनाज बीबी के नाम से एक पेशेंट होंगी ट्यूमर की, आप प्लीज चेक कर सकती हैं उनका डॉक्टर कौन है? एक मिनट सर। सर उनका पूरा नाम क्या है? शहनाज बीबी। सॉरी सर, यहाँ इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपना ट्रीटमेंट यहीं पर करवा रही हैं, आप प्लीज जरा सही से देखिएगा। सर आपके पास उनके NIC है? ID कार्ड तो नहीं, लेकिन मेरे पास उनका ID कार्ड नंबर होगा, आप देख सकें। सॉरी सर, इस नाम की कोई भी पेशेंट हमारे पास नहीं है। Are you sure? Yes, sir. Okay, thank you. Welcome. ऐसा आपने अम्मा से क्यों पूछ लिया? मैं किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मा को पता चल जाए। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारी है आखिर, मुझे भी तो पता चले। ब्रेन ट्यूमर है उन्हें। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कौन सी स्टेज पर है? ऑपरेशन होगा उनका, स्टेज 2 है। और खुदा ना खास्ता अगर ऑपरेशन ना हुआ तो। ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपना ट्रीटमेंट यहीं पर करवा रही हैं, आप प्लीज जरा सही से देखिएगा। सॉरी सर, यहाँ इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है। इसका साफ मतलब है कि हिना ने ये सब झूठ बोला है, लेकिन क्यों, कोई वजह भी तो हो। क्या वही बात है जो मेरा दिल कह रहा है? कैसे करा आपका ऑपरेशन, कहाँ से लाती पैसे? मैंने सोचा कि घर भेज दूँ अम्मा का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर घर भेज दिया तो अम्मा जाएगी कहाँ? मतलब हिना ने
सिर्फ पैसे के लिए इतना बड़ा झूठ बोला है मुझसे, वो भी अपनी माँ के बारे में। कोई इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है? अलीना, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता। तो आप, मुझे लगा था कि मेरी तबीयत संभल जाएगी, इतने में चक्कर आने लगे और एहसन आ गए सामने, जिद करने लगे कि मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, तो मैं चली गई। सच बताऊँ तो मैं नहीं जाना चाहती थी सीरियसली, लेकिन फिर सोचा कि अगर तबीयत नहीं संभली तो कौन मुझे लेकर जाएगा? पागल हो तो क्यों नहीं जाना चाहती थी? और सही तो कहा उसने, अकेली थी, ताना खास्ता गिर जाती तो कौन लेकर जाता डॉक्टर के पास? शायद आपको गुस्सा तो नहीं आना कि मैं उसके साथ गई? अलीना, मैं तो शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ने उसे फरिश्ता बनाकर भेजा। तो ये सोचकर दिल भी कांप जाता है कि तुम वहां अकेली थी, अगर कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? मैं भी यही सोच रही, कभी कभी जिन लोगों से आपको तवक्का नहीं होती वही लोग फरिश्ता बनकर आपकी जिंदगी में आ जाते। एहसन कैसे किसी के साथ भलाई कर सकता? क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस क्यों है ना। अम्मी की तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है पहले से काफी। नूर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रही है ना वो? हाँ, नूर हॉस्पिटल से ही करा रही है, बताया था मैंने आपको। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर बिलाल। डॉक्टर बिलाल नाम का तो कोई डॉक्टर नहीं था वहां पर? अभी भी अमेरिका से पढ़ के आया, वो बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। है ना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम तुम्हारी अम्मी को भी यहाँ पर ले आए। क्यों, अम्मी को क्यों? यार देखो, एक तो वो वहां पर अकेली होती हैं, अगर बीमार हो जाएं या उन्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो एटलीस्ट हम लोग तो हैं यहाँ पर, और तुम यहाँ पर उनका बेहतर ख्याल रख सकती हो। नहीं, मुझे फख्र है आपकी सोच पे, लेकिन अम्मी ही नहीं आएंगी। ये क्या बात हुई? वो क्या है ना, आप तो जानते हैं अम्मी को कितने पुराने जमाने के ख्यालात रखती हैं। वो बेटी के घर का पानी नहीं पीती, रहेंगी कैसे? अच्छा चलो, मैं उनसे बात करके देखूंगा, दामाद कहेगा तो फिर तो मान ही जाएंगी ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद वो आपके बोलने पे मान जाए। आप बात करके देख लीजिएगा। अच्छा चलिए, आप सो जाए ना, अब आपने जाना है ऑफिस सुबह। हाँ बस मैं सोता ही हूँ। गुड नाइट। आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होगा। हेलो। हेलो अम्मा। अरे इस वक्त कैसे याद कर लिया माँ को? वो अम्मा, एक काम था। मैंने कहना था कि एहसन ना कॉल करेगा तुम्हें
और कहेगा कि हमारे साथ रहने आ जाओ, लेकिन तुमने ना साफ इनकार कर देना है, कहना है कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं आ सकती। एहसन मुझे कहेंगे कि मैं तुम्हारे घर आकर रहूं, भाई वो मुझे क्यों ले जाना चाहता है और तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं वहां आकर रहूं? अम्मा वो इसलिए चाहता है क्योंकि जाहिर सी बात है तुम अकेले रहती हो और उसे फिक्र होती है कि अकेले रहती हो तबीयत भी खराब होती है, तो हम भी अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई और रहता नहीं हो, तुम हमारे पास आके रह लो। अल्लाह उसे खुश रखे। अब ये तो हो गई एहसन की तरफ की बात, तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं वहां आकर रहूं? अम्मा अच्छा लगता है क्या कि बेटी घर आकर के सारी जिंदगी के लिए बैठ जाओ? ये तो बिल्कुल फजूल बहाना है, असल बात क्या है वो बताओ। जो बात थी मैं बता चुकी हूँ। देखो बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और इतना तो जानती हूँ कि असल बात कुछ और है, है ना? वो ये है कि एहसन चाहता है कि मैं वहाँ कर रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं चाहती कि मैं वहाँ आऊँ और तुम्हें रोक टोक करूँ, तुम्हें कोई अक्ल की बात समझाऊँ, है ना? तुम्हें बताऊं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तुम ये नहीं चाहती, है ना? हाँ बिल्कुल यही बात है, बस मैंने कह दिया ना एहसन को, मना कर देना कि तुम नहीं आ सकती। ओके बाय। जी मम्मा है मेरी भी। अब आंटी मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलकर रहें, आपका इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। बेटा मैं तो एक अरसे से अकेली रहती रही हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत है। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जब तबीयत बेहतर हो जाएगी तब आप वापस आ जाइएगा, इस तरह जब तक आपका इलाज चल रहा है आपका अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है आंटी। मेरा इलाज? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरा किस चीज का इलाज हो रहा है? वो अम्मी दरअसल एहसन का मतलब है कि हिना मैं अपनी बात खुद कर सकता हूँ, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। आंटी मेरा मतलब है कि जब तक आपकी बीमारी खत्म नहीं हो जाती तब तक तो आप हमारे साथ रह सकती हैं ना। बीमारी? हाँ जी, वो हिना ने मुझे ये भी बताया था कि आप बीमारी की वजह से सब कुछ भूल जाती हैं। कौन सी बीमारी है मुझे जरा बताओ तो सही। आंटी ब्रेन ट्यूमर नहीं है आपको? क्या कैसी बातें कर रहे हो, किसने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर है? है ही ना? हाँ और हिना ने मुझे बताया था कि आप सब बातें भूल जाती हैं। मैंने हिसाब से कुछ भी नहीं कहा था। बस कर दो हिना, बस कर दो। यकीन आ रहा है आंटी आपको कि आपकी बेटी इतनी झूठी और दोगली है? किसने कहा है तुमसे? हाँ बेटा मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। एहसन मैंने आपसे कब झूठ बोला? हिना बस कर दो तुम, मैं नूर हॉस्पिटल गया था, वहां पर ऐसा कोई केस ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तुम्हारी अम्मी का, सिर्फ तुमने कुछ पैसों के लिए, सिर्फ कुछ पैसों के लिए मेरे से इतना झूठ बोला तुमने, शर्म आ रही है तुम्हें, इतनी गिरी हुई इंसान हो तुम। एहसन ऐसी बात मत करें आप मुझसे, आप समझने की कोशिश कीजिए, अम्मा को नहीं पता तो मैंने कहा था भूल जाती। अच्छा आप घर चले, मैं आपको घर जाके सब कुछ समझा। हिना मुझे तुम्हारी किसी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है कि तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो, मेरी बात सुनो, जब तक तुम्हारा दिमाग खुद ठीक नहीं हो जाता ना तुम यहीं पर रहो, अपने दिमाग का इलाज करवाओ और उसके बाद घर आने का सोचना तुम। एहसन मेरी बात सुने, रुक 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 एक मिनट मेरी बात तो सुने, अपने ना दिमाग पे जोर डालेंगी तो हम घर चल के बात करते हैं, मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकती, आप मुझे साथ लेके। हिना अगर तुम मेरे साथ गई और मैं यहाँ पर एक मिनट भी और रुका ना तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यहीं पर रहो। ये नहीं खाना मैंने, इसको वापस रखो। रखो आज कढ़ाई गोश्त बनाते और खीर बनाते, बीमारों वाला खाना खा करके ना मैं थक गई हूँ, तो मैं बना देती हूँ, आप जाएं जाके आराम करें, अभी तो मुकम्मल तौर से ठीक भी नहीं हुई आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी औरत को अपने घर का काम खुद करना चाहिए,
गिर रही हो, मर रही हो, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती। अरे तो मैं हूँ ना बीबी जी, मैं कर लूंगी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैंने कहा ना, मुझे खुद काम करना अच्छा लगता है, और वैसे भी अपने घर का काम खुद किया जाए ना तो हर चीज में बरकत होती है। मुस्कुरा क्यों रही हो? ओ, है ना बीबी, याद आ गई, वो कहती थी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी तो नहीं हूँ जो इस घर के काम करूँ। और एक आप हैं, आप कहती हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं खुद ही इस घर को देख लूँगी। मेरे अल्लाह, कैसे कैसे रंग हैं तेरे। पता, नूरी मेरी नानी कहा करती थी कि मर्द अपनी औरत के हाथों में ही घर देखना चाहता है, उसको अच्छा लगता है, भले घर में जितने भी मुलाजिम हो, लेकिन जब वो अपनी औरत का सुघड़पना देखता है, उसको काम करते देखता है ना, तो उसके दिल में खुद जगह बनती है, उसके दिल में प्यार आता है। 100% दुरुस्त कहती थी आपकी नानी जी। तुम्हें मिलके बनाए कुछ? तुम एक काम करो, तुम फिर से गोश्त निकालो, मैं जब तक प्याज काटती हूँ। जी ठीक है। हद हो गई, आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। इससे तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहती। तुम्हारे जैसी औलाद ना अल्लाह किसी को ना दे। दे तो तुम भी मुझे बटवाए दे तो। कोई असल में ना मुझसे पूछना ही नहीं चाहता कि मैंने ऐसा सब क्यों किया। क्या करूं तुम्हें, हाँ इस बात पे मैं तुम्हें दुआएं दूं? अरे माँ को तुमने ट्यूमर का मरीज बना दिया। मैं हाथ उठा कर कहूं अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे, हैं जमाने भर की खुशियां दे। अम्मा मेरी बात सुन, मेरे बोलने से क्या तुम मर गई? क्या सच में बीमार हो गई? कुछ हो गया तुम्हें? पूछो तो मुझसे मैंने ऐसा क्यों किया। क्या हो गया है तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो ये? अम्मा मेरी बात सुन, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना हमारे लिए कर रही हूँ। नहीं, मुझे दौलत की इतनी हवस नहीं है कि मैं दौलत के लिए अपने रिश्ते ही मार दूं। अम्मा खुदा का वास्ता ये रोना मत शुरू कर देना। पहले मुझे वो सुनाते हैं, फिर तुम सुनाती हो। मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानना चाहता। अगर मैं बुरी बेटी हूं ना तो तुम भी बहुत बुरी माँ हो। इसको क्या हो गया? अल्लाह पाक, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जिसकी तूने इस सूरत में मुझे सजा दी है? माफ कर दे, माफ कर दे मेरे अल्लाह, अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो माफ कर दे, इसे हिदायत दे दे मेरे अल्लाह, इसे हिदायत दे। पूरी तरह से फंस चुकी हूँ मैं, निकलने का कोई मौका ही नहीं नजर आ रहा। एहसन को कैसे मनाऊं? आप सारा खेल ही उलट गया है। जो करना था तुमने कर लिया ना, मेरी कभी सुनी है तुमने जॉब सुनोगी? किया है मैंने उसको फोन, उठा नहीं रहा। हाँ हाँ, तो इतनी बातों के बाद किसका दिल चाहेगा बात करने को? तो क्या करूं मैं, जाके पैर पकड़ लूं उसके? समझदार लड़की है ना, हमेशा अपना घर बसाने का सोचती है। तुम हो हर वक्त घर उजाड़ने के मंसूबे बनाती रहती हो, मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आती। अम्मा ये मेरे दो हाथ हैं, मुझे माफ कर दो, मेरा ना पहले ही दिमाग बहुत खराब है, मजीद खराब मत करना। जब पहले ही इतना ज्यादा खराब हो, मुझे क्या जरूरत कि उसे खराब करूं? देखो मेरी मानो ना तो अपने घर चले जाओ। अगर मर्द गुस्से में हो तो औरत को हवा नहीं देनी चाहिए। अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ, अपनी आना को एक तरफ रखो और अपने घर लौट जाओ बेटा।
क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो? जो मैं कह रही हूं ना वो करो। तुम्हारा कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं है तुम्हारा। नहीं सुनोगी तुम मेरी, मुझे पता है, पता है मुझे। बातें करवा लो इनसे बस।